धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समव्यता युयुष्वः माम का पांडवा श्रेवे किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दृष्टवा तु पांडवानिक व्यूढ़ दुर्योधन स्पदा आचार्य मुप संगमय राजा वचन मब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्चेता पांडुपुत्राणा माचार्य महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की, उनको आप इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वाशा भीमार्जुन समायुधि ययुधानो विराटस्र द्रुपस्र महारथ दृष्टकेतु श्रोकितान काशीराजस्र वीरवान पुरुजिस्कुंती वजस्य सबस्य नरपुष्वंग युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम स्वास्थ्य वीरवान सम सौ भद्रो द्रौपदस्य सर्वयो महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेत और चेतकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माक तु विशिष्टा ए तानिबोध द्विजोत्तम नायकामं सन्यस्य सज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्व कर्णस्व कृपस्व समीति संजय अस्वस्थामा विग्रस्व सौमदत्तिस्व तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सत्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रार्थों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्त तस्माकं बलं भीष्मा भिरिच्छितं पर्याप्त त्विद्मितेसा बल भीमा भिरिच्छितं। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता विस्ममेवा विरच्छन्तु भवन्तः सर्व यहि। अर्थात इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह अलौ विष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनगच्च संख्यदम्य प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः संग खाद्य भर्यस्र पड़वान कगो मुखा सहसैवाभ्य हंत्यंत स शब्द स्थूमूलो भवत। अर्थात इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः सत्रवे हरे युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडे स्त्रवे दिव्यो शंखयो प्रद्युम्नतु। अर्थात इसके अंतर्तः सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
पांचजन्य हसी केशो देवदत्त धनंजय पांडुधम्यो महासंखम भीमकर्मा वकोदर। अर्थात श्रीकृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महासंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्र सुघोष मणि पुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्रु परमेश्वाश शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्न विराटस्य सात्यकिश्य पराजितः द्रुपदो द्रुप्यदेवस्य सर्वस्य पृथ्वीवते सोनभद्र महाबाहु शंखमाद्यमु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोष धृतराष्ट्र हृदयानि व्यदारेत न भ्रस्र पृथ्वी चैव त्रुमूल व्यनुनादयन। अर्थात उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुझाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदृढ़ कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धव्य पांडवः असीकेश तदा वाक्यमिदामः महीपते अर्जुन उवाच सैन्युरुभर्यो मर्दवे रथस्थापच्च मेउच्युतः यथात् हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेत्ता निरुच्यो युद्ध कामन वस्थितान कौमार्य सयुद्ध्य मिश्र नर समुद्य में। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान वेश्यो यो यत्रेश्व शमागता धृतराष्ट्र दुर्विद्य युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यव मुक्ते हसिकेशो गुंडा के सेन भारत सेन युरिभर्यो मध्य से स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महितिक्षताम् वाच पार्थ पश्येतान् वेन्ता कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापस्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्य न तुला भ्रांत पुत्रान पुत्रो न सखी स्था सुश्रान सुदैव सेनयूरी भयोरपि। अर्थात इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदकों भी देखा। तांस मिच्छस कौन्तेयः सर्वान बंधुन वस्थितान कृपया परायविष्टो विसीदात्रिदं ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, दृष्टवेन स्वजन कृष्णे युयुत्सु समुपस्थितं सीदयन्ति मम गात्राणि मुख च परिशोष्यन्ति शरीर में रोम हर्षस्य जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण
युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव अस्त्रसते हस्तात्व कचैव परिदाहते न च सुक्रोम्य वस्तुतातु भ्रमतीव चमे मनः। अर्थात हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेव अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांड छे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च कीनो राज्येन गोविंद की भोगय जीवेतेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। एषा मर्थे कांडचित नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्थ थैव च पितामह मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिस्थता। अर्थात गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्याराज्यस्य हेतु कीनु महीकृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्र का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा श्रदेश्यमान है तै ना ततानिह। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात्रहार्या वयहन्तु धार्तराष्ट्रं बांधवान् स्वजन ही कत्वहत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभे पहत चेतसः कुलक्षयकृत दोष मित्र दोहे च पातकम् कथन गेम मश्यामि पापादश्च मात्री त्रितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यादि दृजनार्दनः। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत्स धर्मो अपि भवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवात कृष्ण पदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टाशु वैश्रेय जायते वर्णशंकर। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुल घराना कुलस्य च पतन्ति पितरो हर्षा लुप्त पिंडो दक्रिया। अर्थात वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को
नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दौसरैते कुल घराना वर्ण संकर कारकाय उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्र शाश्वता। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेव नियतवासो भवति सुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महात्पाप कर्तु व्यसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्दता। अर्थात हाँ सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्दत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्र प्राणयाः धर्मराष्ट्रारणे हनिम अस्तमन्ने क्षमेतर भवेत। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित यो सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एव मुक्तार्जुन संखे रथोपश्य उपाविशत विसृज्य ससर चाप शोक संविग्रह मानसः। अर्थात संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तस्य दीति श्रीमद्भागवीता सुपनिषत् ब्रह्म विद्या योगस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमो अध्याय। नमो नमः नमो नमः।